हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं कैप्टन अबू बकर, पायलट ऑफिसर, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड। इस वक्त यानी 12th सितंबर 2021 ऑन बोर्ड एमवी नानकोरी में हूँ। आज इस जहाज का एक खास दिन है, आज स्पेशल डे फॉर दिस शिप। शायद मेरे वीडियो का आगे आपको पता चल जाएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस शिप। जहाज एमवी नानकोरी, इसको तैयार किया गया था स्नोजी शिपयार्ड पोलैंड। इसकी डिलीवरी हुई थी 31st December 1991। इसकी कुल लंबाई है 157 meters एंड चौड़ाई है 21 meter, ड्राफ्ट 6.8 meters। पैसेंजर कैपेसिटी 1200 विथ बंक सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड डिलक्स। तो चार श्रेणी की टिकट इसमें थे, बंक सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड डिलक्स। ये जहाज को डिलीवरी हुआ था 31st दिसंबर 1991। इस जहाज की मेडन वॉयज थी 10th अप्रैल 1992 फ्रॉम मद्रास टू पोर्ट ब्लेयर। यानी कि उस वक्त इसका नाम मद्रास का, चेन्नई का नाम मद्रास था। तो इट इज एंग्रेव्ड समवेयर, आई हैव सीन मद्रास टू चेन्नई, मद्रास टू पोर्ट ब्लेयर। एंड इसका उद्घाटन किया था उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर रंजीत सिंह दयाल साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर रंजीत सिंह दयाल साहब ने। एंड ये एमवी नानकोरी का लास्ट वॉयज क्या था, 13 फरवरी 2021। कुल मिलाकर इसका सर्विस पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 28 years and 10 months। तो वी कैन टेक दिस 29 years के कार्यकाल में हजारों द्वीपवासी इस जहाज से सफ़र किए होंगे, हजारों छोटी बड़ी व्यापारी इसमें अपने व्यापार की चरम सीमा तक पहुँचाए होंगे, हजारों स्टूडेंट्स इस जहाज के द्वारा अपने हायर स्टडीज के लिए मुख्य भूमि में अपने स्टडीज कंप्लीट करके आज उच्चतम श्रेणी में होंगे। हंड्रेड्स ऑफ कैडेट्स इस जहाज के द्वारा आज दुनिया की बड़े बड़े कंपनीज में मास्टर तक पहुंच गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं मास्टर और उससे आगे भी पहुंच गए होंगे। हंड्रेड्स ऑफ हजारों यात्री जो पेशेंट मुख्य भूमि के लिए एक फर्दर आगे का अच्छे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ इस जहाज पर डिपेंड रहा होगा। इसलिए जहाज की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है ये द्वीपवासी के लिए। आज इस जहाज की आखिरी यात्रा है। इस कार्यकाल में विशाल समुद्र की अनगिनत लहरों को चीरता हुआ, बेशुमार तूफानों को टकराता हुआ, हमारे द्वीपवासियों के सपनों को सजाता हुआ ये जहाज हमें काफ़ी लंबा अरसा तक साथ दिया है। और एमवी नानकोरी अपनी यादों को समेटता हुआ इस द्वीप से अलविदा कर रहा है। लेकिन इस द्वीपों के लाखों लोगों के मन में इस जहाज के प्रति इस जहाज की यादगार रहेगा। थैंक यू एमवी नानकोरी फॉर गिविंग अस ए वेरी वंडरफुल एंड अ लॉन्ग सर्विस। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त कैप्टन अनिल कुमार सिंह के साथ पायलटिंग कर रहा हूँ, सॉरी अरविंद कुमार सिंह के साथ में पायलटिंग कर रहा हूँ इस जहाज एज पर द कैप्टन। ये जहाज अभी जाएंगे यहाँ से कोलंबो के बाद ये जाएंगे अलांग जाएंगे और अलांग में अपने जो ये पूर्ण रूप को आस्ते आस्ते खो देगा जहाज।
यानी कि ये स्क्रैप के द्वारा स्लो स्लो अपना खत्म कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। सर जैसा कि पायलट सर ने बताया है जो है ये जहाज़ अभी हम इसको कोलंबो लेके जाएंगे जो है वहाँ पे कंपनी का कुछ मोटिव है कि वो लोग जो है इसको वापस से चलाने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से लगता नहीं है कि ये जहाज़ फिर से रीएक्टिवेट करके इसको वापस से चलाया जा सकता है एज ए पैसेंजर वर्शन। किसी और भी वर्षन में अगर मॉडिफाई करेंगे तो शायद यह चल सके, लेकिन उसके लिए खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे जो है, इसलिए इसको अभी अलग लेके जाएंगे जो है और वहाँ स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप का मतलब है कि धीरे धीरे पूरे जहाज़ को काट के और इसका सब लोहा और सारा मशीनरी बेच देंगे। ओके सर, थैंक यू नानकोरी। और मैं और एक बात कहना भूल गया कि हंड्रेड्स ऑफ हमारे यहाँ का सीमेंट्स जो इस जहाज के ऊपर डिपेंड था, उनका फैमिली डिपेंड था, उनकी उम्मीदों और उनकी आशाओं को दीप जला करके अपने घर को रोशन किया था। थैंक यू नानकोरी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है चलेगा। यस सर। खैर काल चक्र है, सबको फना होना है। इस अंतिम यात्रा के बाद यह अपनी आकार तक खो देगी, पर इन द्वीपों के लाखों लोगों की मन की अतः गहराइयों में सदा अपना पूर्ण रूप रहेगा।